जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20 मैच लेग स्पिन बॉलर उस्मान कादर ने मुल्की रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कम मैचों में ज्यादा विकेट लेने वाले उस्मान कादर पाकिस्तान के दूसरे बॉलर बन गए। दूसरी जानेब आईसीसी की हफ्तावार नई टी20 रैंकिंग जारी। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की ऊंची उड़ान। आखिरकार उस्मान कादर ने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया? दूसरी जानेब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम किस पोजीशन पर पहुंच गए हैं? मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को दबा दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम तर खबरें रिका शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है और इसके साथ ही पाकिस्तान के लेग स्पिन बॉलर उस्मान कादर ने एक बड़ा मुल्की रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। आपको बताते चलें कि उस्मान कादर ने आज पहले ट्वेंटी मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह उस्मान कादर टी20 फॉर्मेट में कम मैचों में ज़्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तान के दूसरे बॉलर बन गए हैं। उस्मान कादर ने अब तक अपने टी20 कैरियर में 9 मैचों में 17 शिकार किए हैं, जो कि पाकिस्तान के दूसरे बॉलर बने हैं। इससे पहले ये एजाज़ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के पास था, जिसने 9 मैचों में 17 शिकार किए थे। इसके बाद आपको बताते चलें कि आईसीसी की नई टी20 रैंकिंग जारी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि आईसीसी की जो आजकल हफ्तावार नई रैंकिंग जारी होती है, उसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर छा गए। आपको बताते चलें कि हाल ही में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टी20 सीरीज खेली गई, जिसकी आज बुध के रोज़ नई रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर 20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए हैं और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एरन फिंच को पीछे छोड़ दिया है। अब बाबर आजम एक बार फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी बैटिंग करके अच्छे स्कोर करके दोबारा नंबर वन पोजिशन भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने अपनी क्रिकेट की बेहतरीन पोजिशन पर पहुँच गए। मोहम्मद रिजवान ने अफ्रीका के खिलाफ शानदार 2 निफ सेंचुरियाँ स्कोर की थी, जिसमें मोहम्मद रिजवान टी20 रैंकिंग में 15वीं पोजीशन पर आ गए हैं, जबकि फखर जमान ने भी अपनी करियर की बेहतरीन 33वीं पोजीशन हासिल कर ली है। जबकि बॉलिंग में पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी छा गए। शाहीन शाह आफरीदी टी20 की बॉलिंग रैंकिंग में 11वें नंबर पर आ गए, जो कि उसकी करियर की सबसे बेहतरीन पोजीशन है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।